हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोइनीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी चीजी व्हाइट सॉस पास्ता, जो बच्चों का तो फेवरेट होता है लेकिन सभी को बहुत पसंद आता है। तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं ये 4 से 5 कप ये पानी डाल रही हूँ पास्ता बॉईल करने के लिए। और ये मैंने पास्ता लिया है, करीब 2 कप पास्ता लिया है। तो ये मैंने यहाँ पैनी पास्ता लिया है, आपके पास किसी भी शेप का पास्ता हो आप ले सकते हैं पास्ता बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा ऑयल। नमक डालना बहुत जरूरी है क्योंकि पास्ता का अपना इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, तो अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाता है नमक का। तो हल्का सा बॉईल हो गया है, मैं अब कट करके देखती हूँ ये कितना बॉईल हुआ है। तो देखिए करीब हमें इसको 80% कुक करना है और ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो ये स्ट्रेन, तो इसको हमें ठंडा करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और चिपके ना। तो अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। आप ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी। और अब मैं डाल रही हूँ ये आधा कटा हुआ प्याज, जिसको मैंने ऐसे काटा था। आपको प्याज बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी, इतना काफी है। और मैंने ये डाली है एक गाजर। तो बस इसको हम ऐसे ही सॉटी कर लेंगे थोड़ा। सब्जियों का बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता, थोड़ा क्रंची ही रखना पड़ता है सब्जियों को। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। तो एक मैंने ये शिमला मिर्च डाली है। अगर आपको सब्जियां थोड़ा कम पसंद है तो आप क्वांटिटी उसकी कम भी कर सकते हैं। पर हाँ, मैं ये गार्लिक डालना पहले भूल गई थी, तो मैं अभी थोड़ा गार्लिक डाल देती हूँ। तो ये मैंने 4 से 5 क्लोव गार्लिक को ऐसे फाइन चॉप करके डाला है। इसको भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। सबसे पहले आप गार्लिक डालें, फिर बाकी प्याज वगैरह बाकी सब्जियां डालें। तो बस ये हल्की सी क्रंची रखनी है हमें सब्जियां। अब मैंने ये डाले हैं स्वीट कॉर्न। तो कॉर्न को मैंने उबाल कर डाला है। तो अगर आपको कॉर्न थोड़ी ज्यादा पसंद है आपके बच्चों को, तो आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कॉर्न की। अभी डाल रही हूँ मैं नमक, तो 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने नमक डाला है। और सब्जियां आप इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ब्रोकली डाल सकते हैं आप, इसमें मशरूम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको यही सब्जियां डालनी हैं जो मैंने डाली हैं, जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ये मिक्स हर्ब है मैंने लिए हैं, तो 1/2 टीस्पून करीब मिक्स हर्ब डाल दूंगी मैं। ये रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस गैस की फ्लेम इसके बाद हमें इसको मिक्स करने के बाद ऑफ कर देनी है। तो अब हम सॉस बना लेते हैं पास्ता बनाने के लिए। तो मैंने ये करीब अभी 2 से 2.5 चम्मच ये बटर लिया है। तो सॉस, अगर आपको परफेक्ट सॉस बनाना है तो जितना आप बटर ले रहे हैं उतनी ही आप मैदा डालें, तो उसकी कंसिस्टेंसी सॉस की बहुत बढ़िया बनती है। कई बार क्या होता है, लोग सॉस बनाते टाइम मैदा ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो सॉस का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, वो अच्छी नहीं बनती है। तो जितनी आप परफेक्ट सॉस बनाने के लिए जितनी आप मैदा डालें उतना ही आप बटर डालें। तो मैं यहाँ पे करीब 2 चम्मच भर के ये मैदा मैंने डाली है और 2.5 चम्मच मैंने बटर डाला था। बस इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं, हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें करीब 1 से 2 मिनट ऐसे इसको रोस्ट करना होता है। जब इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे, हमें बहुत ज्यादा इसको कलर चेंज वगैरह नहीं करना है इसका, बस ऐसे इसको रोस्ट करना है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे। और कंटिन्यूस हमें इसको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। देखिए हल्की सी ये भुन गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क, दूध। तो मैं यहाँ पे करीब 2 कप
मिल्क का यूज करूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें ये दूध डालना है और इसका हमें बिल्कुल लम फ्री ये सॉस बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें पहले दूध और कंटिन्यू इसको स्टेयर करते रहें, कंटिन्यू चलाते रहें ताकि बिल्कुल लम्स ना बने इसमें। तो जब ये थोड़े से देखिए लम्स घुल गए हैं तो अब इसमें मैं और दूध डाल दूंगी और लगातार ऐसे ही चलाते रहें। अब इसमें मैंने पहले एक कप मिल्क डाला था मैंने, अब मैंने एक कप और डाला है ये। बस कंटिन्यू हमें ऐसे चलाते रहना है। कि सॉस जितना अच्छा बनेगा पास्ता का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए सारे लम्स अच्छे से घुल गए हैं, मेल्ट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी होती। बस इसको हमें ऐसे जब लम्स सारे घुल जाएं, इसके अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए, तो इसको हमें ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे इसको पकाते रहना पड़ता है। और देखिए अच्छा बॉयल आने लगा है इसमें सॉस में। इसको लगाते रहते चलाते रहें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, और ये नमक। नमक को हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो सब्जियां सॉटे की हैं उसमें भी नमक डाला है, सॉल्टेड बटर भी यूज किया है और पास्ता को उबालते टाइम भी हमने नमक डाला है। तो बहुत ज्यादा नमक ना डालें, जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाले हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें सब चीजों को, सब मसालों को। ये हमारा सॉस बनकर रेडी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी जैसे आप देख रहे हैं हमें रखनी है सॉस की। और ये सब्जी हमने जो बनाकर पहले से कुक करके रखी थी इसमें हम ये सॉस डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम जो है वो लो कर रखी है और अब ये डाल रही हूँ मैं पास्ता और इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है ये और सभी को बहुत ही पसंद आता है। देखिए मिक्स अच्छे से हो गया है। इसको ऐसी लो फ्लेम पर हम, अगर आपको इस स्टेज पे अगर सॉस थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं, बट अब ये परफेक्ट है तो इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी। अब मैं डाल रही हूँ चीज़। तो ये अमूल का चीज़ क्यूब जो आता है मैंने वो यूज़ किया है। तो एक चीज़ क्यूब डाल रही हूँ मैं ये ग्रेट कर कर। आप अगर ज़्यादा चीज़ खाते हो, आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप दो भी डाल सकते हैं, 2 क्यूब्स भी इनफ होते हैं इसके लिए। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ये चीजी पास्ता हमारा बनकर रेडी है क्रीमी। कितना डिलीशियस लग रहा है ना देखने में। तो बस अब अच्छे से मिक्स हो गई है, चीज भी मेल्ट हो गई है। तो ये सर्व करने के लिए हमारा पास्ता रेडी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है इसको बनाना और सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा खाकर इसको, तो आपको बनाकर इसको खिलाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।